हेलो एवरीबॉडी, प्रीवियस सेशन में जो है हम लोग क्लास 11 का जो है रिलेशन चैप्टर्स का जितना पढ़े थे उसको थोड़ा सा रिकैप किए थे कि रिलेशन क्या है, हाउ टू रिप्रेजेंट द रिलेशन एंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन एंड लास्ट द बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या है इसके बारे में भी जाने थे। तो बाइनरी रिलेशन से ही उसके बाद से ही जो है हम लोग क्लास 12 का पोर्शन शुरू करेंगे। तो बाइनरी रिलेशन क्या था कि बाइनरी रिलेशन जो है कोई एक ही सेट के ऊपर डिफाइन होता है। ये रिलेशन इज सेड टू बी बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट ए इफ इट डिफाइंड ऑन दैट सेट। मतलब कोई एक रिलेशन अगर ए सेट के ऊपर अगर रिलेशन डिफाइन करते हैं, कोई एक सेट ए अगर खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करता है और वहां से हम लोग कोई सबसेट सिलेक्ट करता है तो उस रिलेशन को कहेंगे बाइनरी रिलेशन। तो 12 वाला पोर्शन में जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें सारे चीज जो बाइनरी रिलेशन से ही है। तो आज एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक फाइनाइट सेट के ऊपर एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख के रखे है टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए, तो देखते हैं। देखो मैं पढ़ू, लेटेस्ट टेक अ रिलेशन ऑन ए सेट ए। एक ए सेट के ऊपर फाइनाइट सेट है, इसे चार एलिमेंट्स लिया है 2, 5, 6, 9 आर्बिट्री लिए हुए है। डिफाइंड बाय इस सेट के ऊपर हम जो है एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर। आर के अंदर जो है एलिमेंट्स किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर किस तरीके से लिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई तभी होगा। कहां से लेंगे, ए क्रॉस ए से ऑब्वियसली लेंगे, रिलेशन डिफाइन कर रहे तो ए क्रॉस ए से ही लेंगे। तभी एक्स और वाई को एक रिलेशन में रखेंगे अगर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2 हो, ठीक है। वही सब ऑर्डर पेयर को ए क्रॉस ए से हम सिलेक्ट करेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन जो है 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। ये डिफाइन किया हुआ r को, और एक तरीके से r को डिफाइन किया जाता है। दोनों तरीके से मैंने डिफाइन करके रखा है तुम लोगों का नॉलेज के लिए। x रिलेटेड टू y बोथ इंप्लाइज x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2। ये भी एक डिफाइन करने का बहुत सारा बुक्स में या फिर एग्जाम में जो है इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है और ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। दोनों प्रोसेसर से डिफाइन किया जाता है रिलेशन को, ठीक है। तो डिफाइन किया है तो ऑब्वियसली अगर हम रिलेशन किसी सेट के ऊपर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली दस रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो पहले तो हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होगा, तो ये चार एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग बना लेंगे ए क्रॉस ए का। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा कितना, 4 × 4 16 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसका भी हम बना के रखे हैं कि 2, 2, 2, 2, 5, 2, 6, 2, 9, 5, 2, 5, 5, 5, 6, 5, 9, 6, 2, 6, 5, 6, 6, 6, 9 and last 9, 2, 9, 5, 9, 6, 9, 9। टोटल 16 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में है। अब जो है यहां से हम एक सबसेट पिक करेंगे, कहां से ना, ए क्रॉस ए से एक सबसेट पिक करेंगे। कौन सा रिलेशन को डिफाइन करते हुए, इस रिलेशन को डिफाइन, ऐसा सबसेट पिक करेंगे जो इस रिलेशन को डिफाइन करेगा। तो ऐसा ऑर्डर पेयर्स को हम यहां से पिक करके आर नाम का रिलेशन में रखेंगे जहां पर दोनों को माइनस करेंगे तो डिविजिबल बाय 2 हो। तो ऑब्वियसली 2 − 2 जो है 0, डिविजिबल बाय 2 है, 0 इज 0 जो है सबसे डिविजिबल है। 2, 5, 2 जो है 5 से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि 2 − 5 = −3 व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उसको नहीं रखेंगे। तो उस हिसाब से 2, 6 रखेंगे, 2, 9 भी नहीं रखेंगे। तो सिमिलरली 5, 5, 5, 9, 6, 2, 6, 6, 9, 5 and 9, 9 ये जो है ये एलिमेंट्स को हम लोग जो है आर रिलेशन में रखेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी बना के रखे हैं 2, 2, 2, 6, 5, 5, 5, 9, 6, 2, 6, 6, 9, 5, 9, 9, ठीक है। तो ये आर रिलेशन तो मेरा बन गया है। अब इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम लोग थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे और थोड़ा गौर से इसको देखेंगे, इसमें कुछ छेड़खानी हम लोग करेंगे, क्या क्या चीज है उस पर हम लोगों का जो आज का टॉपिक है उसमें से निकल के आएगा, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करो कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है उसके हिसाब से जो जो एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिए हुए हैं, एक चीज डिफाइन देखो कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसा है 2, 2, 5, 5 and 9, 9, मतलब इस रिलेशन में
ये जो मैं लोगों को रेड इंक से ब्लॉक कर दे रहा हूँ, ये 2255 and 99, इसमें क्या है कि 2 जो है 2 खुद अपने आप से रिलेटेड है, तभी जाके इसमें रखे 2 - 2 = 0 एंड डिविजिबल बाय 2 व्हिच इज ओके। सिमिलरली 5 इज रिलेटेड टू हिमसेल्फ एंड 9 इज ऑल्सो रिलेटेड टू हिमसेल्फ 9 ओके। तो एक चीज क्लियर हो रहा है कि ये जो ए सेट का एंड ऑब्वियसली 6 6 6 6 को मिक्स कर रहे थे एंड 6 6 भी जो है अपने आप से रिलेटेड है क्योंकि 6 - 6 = 0 दिस इज डिविजिबल बाय 2। तो एक चीज इसमें क्लियर हो रहा है कि अगर यहाँ पर ए सेट का सारा एलिमेंट जो है 2 5 6 and 9 जो है अपने आप से इस रिलेशन से रिलेटेड है, खुद अपने आप से रिलेटेड है, बाकी और किसी से रिलेटेड है कि नहीं है अभी मैं फिलहाल अभी जो बता रहा हूँ उसमें वो चीज हम नहीं देख रहे हैं। मैं खाली ये देख रहा हूँ कि इस सेट का सारा एलिमेंट जो है एक चीज नोटिस में आ रहा है कि अपने आप से रिलेटेड है 2 2 2 5 5 6 6 9 9 2 इज रिलेटेड टू 2 5 इज रिलेटेड टू 5 6 इज रिलेटेड टू 6 एंड 9 इज रिलेटेड टू 9 वो अपने आप से रिलेटेड है सारा एलिमेंट ठीक है। अगर किसी रिलेशन में इस तरीके से जैसे मैंने अभी बताया सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, अगर किसी रिलेशन में ध्यान से सुनना, अगर किसी रिलेशन में ये कंडीशन इस तरीके का कंडीशन फॉलो कर जाता है कि सारा एलिमेंट वो अपने आप से रिलेटेड है, जो भी रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करेगा उसके हिसाब से अपने अगर अपने आप से रिलेटेड है तो वो रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी रिलेशन में जो सेट के ऊपर डिफाइन कर रहे हो रिलेशन, उस सेट का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, सब एलिमेंट होना चाहिए, अगर अपने आप से रिलेटेड है तो ऐसा सेट को हम लोग कहेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ऑब्वियसली सब एलिमेंट को अपने आप से रिलेटेड होना है, अगर कोई एक भी एलिमेंट छूट जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, सब एलिमेंट्स को अपने आप से रिलेटेड होना होगा तब जाके उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ये तो क्या है, मैंने पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल से तुमको समझा दिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, लेकिन यहाँ तो मैंने फाइनाइट सेट लिए थे, 4 एलिमेंट्स था तो उसमें बहुत आसान था कि हम A x A को बना लिए उसके बाद से रिलेशन चूज कर लिए, सब कुछ बोर्ड वर्क में हम कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा बहुत सारा सेट्स है जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें रहते हैं उसमें अगर कोई रिलेशन डिफाइन करेंगे तो फिर कैसे हम लोग उसको दिखाएंगे, उसके लिए एक जनरल वे होना चाहिए, जनरल डेफिनेशन होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन हम जाते हैं क्या है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या किसको कहेंगे, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट कैपिटल ए, एक रिलेशन आर को किसी एक सेट ए के ऊपर, रिलेशन आर ऑन ए सेट कैपिटल ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ A is related to A or A is if A is related to A or A comma A belongs to R, दोनों बात बराबर है, for all A belongs to कैपिटल। मैंने जो बात तुमको कहा वही बात मैंने लिखा है कि एक रिलेशन R को सेट A के ऊपर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी कहेंगे अगर उस सेट का सारा एलिमेंट, वही बात मैंने जनरल वे में लिखा है कि A related to A और A comma A belongs to R for all A belongs to capital A। यहाँ पर A जो है small A जो है capital A सेट का कोई आर्बिटरी एलिमेंट है, अगर इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ इसको हम रिलेट करेंगे तो A could be 2, A could be 5, A could be 6, A
कुड बी नाइन, जो भी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम लोग डिफाइन करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहेंगे कि रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए रिलेटेड टू ए और ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सारे एलिमेंट अगर अपने आप से रिलेटेड है तो जाकर उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग कहेंगे। तो ये डेफिनेशन दिमाग में रखना, इसको समझ लेना, ओके। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब और एक चीज देखते हैं यहाँ पर, ये तो एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक डेफिनेशन आया, सेम एग्जांपल में और एक हम लोग ऑब्जर्वेशन में आते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड उस पर आ गया। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करके यहाँ पर, अब ये जो है रेड मतलब जो हम लोग किया है उसको हटा देते हैं, ओके। और फिर से लिख देते हैं 2, 2, 6, 6, 5, 5 and 9, 9, ओके। तो अब एक चीज नोटिस करो यहां पर कि ये देखो 2, 6 एक सेट का एक एलिमेंट है, मतलब 2 इज रिलेटेड टू 6 ऑब्वियसली है, 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4 एंड व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, ओके नो प्रॉब्लम। तो देखो अगर 2 6 यहां पर है तो 6 2 भी यहां पर है, 6 2 इज आल्सो 6 इज आल्सो रिलेटेड टू 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली और एक देखते हैं चीज, 5 9 इज बिलोंगिंग टू R उस रिलेशन में है, तो देख रहे हैं कि 9 5 भी उस रिलेशन पे है क्योंकि 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, वो भी डिविजिबल है 2 से, ठीक है, ओके। तो एक चीज इसमें आ रहा है कि अगर 2 6 उस रिलेशन में है तो 6 2 भी है, उसका रिवर्स रिलेशन भी यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 5 9 यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो 9 5 भी उस पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका रिवर्स रिलेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो अगर किसी रिलेशन में ये घटना घटे, ये पर्टिकुलर जो मैंने चीज कहा है कि अगर किसी रिलेशन में 2 6 है तो 6 2 भी रहेगा, 5 9 है और 9 5 भी है, इसको अगर जनरलाइज करें कि अगर किसी रिलेशन में ए बी है और बी ए भी है सारा एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल ए बी, तो ऐसे रिलेशंस को हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। मतलब ए बी एंड बी ए ये दोनों रहना चाहिए, तब जाकर उस रिलेशन को कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि यहाँ पर 2 6 है एग्जिस्ट कर रहा है तो 6 2 भी कर रहा है, 5 9 कर रहा है तो 9 5 भी कर रहा है, इस तरीके से, ओके। तो सिमेट्रिक रिलेशन को डिफाइन करते हैं, क्या हुआ कि तो पर्टिकुलर इस एग्जाम्पल पे हो रहा है व्हिच इज, तो सिमेट्रिक रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन सेट कैपिटल ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई करता है बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और दूसरा तरीके से भी लिख सकते हो ए रिलेटेड टू बी इंप्लाई करता है बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर किसी रिलेशन में इस तरीके का प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये अगर चीज अगर होल्ड करता है, अगर ए बी उस पे है तो बी ए भी होगा, या फिर ए रिलेटेड टू अगर बी है तो बी रिलेटेड भी, अगर ए रिलेटेड टू ए हो रहा है और फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए के लिए, इस तरीके का रिलेशन को हम कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। तो इस तरीके का रिलेशन को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, अब समझ में आ गया होगा। अब फिर और एक ऑब्जर्वेशन इस एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन में अगर इस पे
पर्टिकुलर इस एग्जांपल में 2,2 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 2 इज रिलेटेड टू 2 है और 2 इज रिलेटेड टू 6 भी है, ये 2 और ये 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 6, तो ऑब्वियसली 2 इज रिलेटेड टू 6 तो ही रहा, इसमें है ही, थोड़ा सा और पूछ लेते हैं एक्स्ट्रा, रुको, 2 इज रिलेटेड टू 6, जैसे मान लो 9 इज रिलेटेड टू 5 है एंड 5 इज रिलेटेड टू 9, ऑलरेडी यहां पर है, तो हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि 9 इज रिलेटेड टू 9 है ऑल्सो, अगर इस 5,9 उस पे है, 9,5 है, तो 9,9 भी उस रिलेशन में है। सिमिलरली अगर 6,6 है एंड 6 टू रिलेटेड है, 6 रिलेटेड टू 6 है एंड 6 रिलेटेड टू 2 है, तो 6 रिलेटेड टू 2 वो तो है ही यहाँ पर, ओके। और रख लेते हैं जैसे 2 रिलेटेड टू 6 एंड 6 रिलेटेड टू 2, तो ये इंप्लाई कर रहा है 6 रिलेटेड टू 6, ये 2 रिलेटेड टू 6, 2 रिलेटेड टू, सॉरी ये इंप्लाई कर रहा है 2 रिलेटेड टू 2, 2 6 के साथ है, 6 2 के साथ है, तो 2 भी जो है 2 के साथ यहां पर रिलेट कर रहा है यहां पर उस एलिमेंट पर। मेरा बोलने का मतलब है, जनरलाइज इसको अगर करें कि अगर A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है किसी रिलेशन में, अगर ये दोनों है और उसमें हम लोग दिखा सके यहाँ पर उस रिलेशन में ऐसा देख रहे हैं कि A इज रिलेटेड टू C है, तो ऐसा रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर तीन मान लो A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू C है और हम देख रहे हैं कि उसके बाद A भी, A जो है C से भी रिलेटेड है, ऐसा रिलेशन को कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ऑब्वियसली फॉर ऑल A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू जो है A के लिए होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आते हैं, उसका डेफिनेशन हम लोग यहाँ पर जनरलाइज करते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन A is said to be transitive if A comma B and B comma C belongs to R, imply करता है A comma C belongs to R, और इस तरीके से लिख सकते हो A related to B and B related to C, imply करता है A related to C for all A comma B comma C belongs to A के लिए, then उसको जो है हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अगर किसी रिलेशन में A B भी है और B भी C से रिलेटेड है और A उसके हिसाब से A C से भी रिलेटेड हो रहा है, तो जाके उस रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो हम लोग जो है ये तीन टाइप का जो है रिलेशन जाने कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो एक हम लोग चीज देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है हम लोग यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोग ये इसके ऊपर हम लोग डेफिनेशन को समझने के लिए लिया है, इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है इस सेट के ऊपर जो डिफाइन ऑलरेडी क्यों है, ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव भी हुआ क्योंकि सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, सिमेट्रिक भी हुआ क्योंकि ए बी अगर है तो बी ए भी अपने उस सेट आर में है, ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी जो है रिलेटेड टू पलट के है, और देख रहे हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है तो ए जो है सी से रिलेट कर रहा है, ये चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये पर्टिकुलर एग्जांपल पे। ये तीनों जो है अलग अलग टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन इस पर्टिकुलर एग्जांपल को होल्ड कर रहा है। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन होल्ड करता है तो उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो साथ साथ सिमेट्रिक भी हो साथ साथ ट्रांजिटिव भी हो, देन द रिलेशन इज कॉल्ड
इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग जाएंगे उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन पे आते हैं। तो क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑब्वियसली इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बाइनरी रिलेशन होना पड़ेगा, एक सेट को एक सेम सेट के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ, नंबर वन R is reflexive or A comma A belongs to R for all A belongs to A, reflexive बोलना मतलब यही हुआ। Second R is symmetric or AB belongs to R implies BA belongs to R for all, ये for all का सिंबल है, A comma B belongs to A, and third R is transitive or AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R for all A B C belongs to A, A B C सब। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करे, अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसा रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ये तीनों में से कोई एक फेल हो जाता है, दैट्स मीन द रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोगों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना आता है कि प्रूफ दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये प्रूफ करना आता है। कभी कभार आता है कि प्रूफ दैट दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तब हमको कोई एक कंडीशन को जो जरूर फेल हो जाएगा वो हमको दिखा देना है। अगर प्रूफ करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, देन यू हैव टू प्रूफ द प्रॉब्लम इन जनरल हो गया। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके तुम किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं दिखा सकते हो, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तुमको अगर कोई चीज प्रूफ करना है तो यू हैव टू प्रूफ द स्टेटमेंट इन जनरल हो गया। अगर किसी स्टेटमेंट को तुमको गलत साबित करना है, देन पिक एन एग्जाम्पल एंड शो दैट फॉर दिस एग्जाम्पल द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वो तुम कर सकते हो। अगर किसी स्टेटमेंट को, अगर मान लो तुमको दिखाना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, तो कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल उठाकर दिखा दो कि देखो भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए जो है ये कोई एक, ये तीनों में से कोई एक जो है, या फिर तीनों या फिर दो नहीं हो रहा है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कर कह सकते हम। ठीक है, लेकिन अगर तुमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो इसके लिए तुमको जो है तीनों का तीनों जनरल वे में प्रूफ करना होगा। कैसे प्रूफ करोगे और कैसे तुम लोग नहीं है वो प्रूफ करोगे, दोनों चीज हम दिखाएंगे एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करा के। ठीक है, तो ये पहले समझ लो कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, और कैसे करोगे और कैसे लिखोगे मैं उसका पूरा एक फॉर्मेट तुमको यहां पर दे देता हूं कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन अगर होगा प्रूफ करना तो कैसे लिखोगे, उसी फॉर्मेट में तुमको एग्जाम में लिखना है। एक हम लोग एग्जांपल पिक करते हैं। ओके, लेट आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर,
इसलिए हम इसको मैंने बोल्ड कर दिया ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय, डिफाइंड बाय defined by x related to y, both implies 1 plus xy is greater than 0, x related to y for all x comma y belongs to real number. ये एक relation हम ले रहे हैं कहाँ, किसके ऊपर, ना real number के ऊपर. तो जैसे infinite set के ऊपर ले रहे हैं. और डिफाइंड किस तरीके से कर रहे हैं कि कोई भी दो एलिमेंट जो हम आर क्रॉस आर से पिक करेंगे रियल क्रॉस रियल से, वो तभी रिलेटेड होगा आपस में अगर ये कंडीशन को फॉलो करे, 1 प्लस एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, इसको तुमको जो है दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. तो नहीं है तो, या फिर मान लो तुमको चेक करना, नहीं है पहले से नहीं बता रहा, ये मान लो चेक करना है क्योंकि वाला रिलेशन है कि नहीं. देखो तो पहले तो हम लोग अगर रिफ्लेक्सिव देखेंगे, नंबर वन रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेंगे कि इस रियल नंबर से कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट हम लोग को पिक कर लेंगे. लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, बी एन आर्बिट्री एलिमेंट, एक आर्बिट्री एलिमेंट जो है हम लोग यहां से पिक कर लिए. अब हमको दिखाना क्या है कि ये रिलेशन का, इस आर का रियल नंबर का सारा रियल नंबर जो है अपने आप से रिलेटेड है, अपने आप से रिलेटेड है, यानी कि ये जो है सारा रियल नंबर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, सारा रियल नंबर इस कंडीशन को फॉलो करेगा. तो देख रहे हैं कि क्लियरली 1 प्लस, मतलब ये तो हम लोग के लिए है एलिमेंट रियल नंबर, आर्बिट्री कोई भी हो सकता है, तो पूरा रियल नंबर कोई जो है सेट को ही जो कवर कर लेगा. क्लियरली 1 प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये बताओ ये ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होना ही है क्योंकि 1 तो पॉजिटिव नंबर है, ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है. तो हम बता सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर के लिए जो है ये ए जो है खुद अपने आप से रिलेटेड है. तुम ए कुछ भी ले लो, माइनस में ले लो, प्लस में ले लो, पॉइंट फ्रैक्शन में ले लो, एनीथिंग ले लो, उसके स्क्वायर करोगे और उससे वन करोगे, वन जोड़ोगे तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव नंबर होगा, यानी कि अपने आप से वो रिलेटेड होगा. इसका मतलब ये चीज जो है प्रूफ्ड है. तो सो ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव. मतलब ये जो है रिलेशन लिया है आर के ऊपर, रियल नंबर के ऊपर, ये रिफ्लेक्सिव है. अब देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं. सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि अगर कोई दो एलिमेंट उस रिलेशन में है और उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी अगर उस रिलेशन में है, तो जाके उसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन. अगर ए बी उसमें है तो हमको प्रूफ करना होगा कि बी ए भी उस रिलेशन में है. तो मैंने पहले दो एलिमेंट ले लेता हूं कि जो ऑलरेडी उस रिलेशन में है. लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर बी टू आर्बिट्री एलिमेंट सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी. मैंने ऐसा दो एलिमेंट मैंने कहां से लिए, रियल नंबर से ले लिए, जो 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 कि अपने आप, मतलब ए जो आपस में रिलेटेड है. अगर आपस में रिलेटेड है इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा. मैंने ऐसा दो एलिमेंट पिक कर लिए कहां से, रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर से जो इस रिलेशन से रिलेटेड है, मैंने पिक कर लिए. तो 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है. तो मुझे दिखाना कि इसका रिवर्स भी जो है, ऑर्डर पेयर भी जो है उस रिलेशन में. तो उसके लिए क्या दिखाना होगा, 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, यानी कि बी कॉमा बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, ये हमको शो कराना है. तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, क्योंकि ए बी जो है, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है रियल नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं उसमें. तो ये तो ऑब्वियसली फॉलो करेगा, ये फॉलो करता है तो ये तो ऑब्वियसली फॉलो करेगा. इसका मतलब क्या है, बी रिलेटेड टू ए है. तो
हम लोग शुरू कहां से किए थे कि ए रिलेटेड टू बी है, ये मैंने मान लिया था, हम लोग प्रूव कर दिए कि बी रिलेटेड टू ए है। सो ए रिलेटेड टू बी इंप्लाई क्या कर रहा है कि बी रिलेटेड टू ए है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो आर इज सिमेट्रिक, सो जो है सिमेट्रिक हो गया। ये तो होना ही, ये तो बाय जनरल वे में प्रूव कर दिया, ये तो हो गया। अब आते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं उसमें, ये तुम लोग थोड़ा सा वेट पे देख लो। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव है कि नहीं उस पर हम लोग आते हैं। ट्रांजिटिव है कि नहीं वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो हमको दो सेट ऑफ दो ऑर्डर पेयर यहां से पिक करना है जो आपस में रिलेशन है, और प्रूव करना है कि वो सारे जो आपस में ए भी, दो ऐसे ऑर्डर पेयर यानी कि ए बी एंड बी सी पिक करना है जो आपस में रिलेटेड है। बाद में प्रूव करना है कि ए जो है रिलेटेड टू सी है, ये प्रूव करना है। तो ये सारा एलिमेंट के लिए होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू माइनस हाफ एंड सी इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू हाफ, बी इज इक्वल टू हाफ लेते हैं, सी इज इक्वल टू माइनस वन, ये तीन एलिमेंट लेते हैं। सो सो क्लियरली वन इज रिलेटेड टू हाफ है एंड हाफ इज रिलेटेड टू माइनस वन, सिंस वन प्लस वन इंटू हाफ इज ग्रेटर देन जीरो, थ्री बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो है, एंड वन प्लस हाफ इंटू माइनस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, वन माइनस हाफ हाफ इज ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। मैंने ऐसे दो एलिमेंट ले लिए, तीन एलिमेंट ले लिए कि वन इज शो वन कॉमा हाफ बिलोंग्स टू आर एंड हाफ कॉमा माइनस वन जो है बिलोंग्स टू आर, उस रिलेशन में आ रहा है। अब देखना है, नाउ वन हाफ से रिलेटेड है, हाफ माइनस वन से, वन माइनस वन से रिलेटेड है कि नहीं देख लेते हैं। नाउ वन प्लस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो विच इज नॉट ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू का ऑप्शन यहाँ पर है नहीं, ग्रेटर परफेक्टली ग्रेटर देन होना है, तो जीरो इक्वल टू का ऑप्शन नहीं, तो जीरो इज नॉट ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब है सो वन इज नॉट रिलेटेड टू माइनस वन। तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि वन जो है हाफ से रिलेटेड है, हाफ माइनस वन से रिलेटेड है, लेकिन वन जो है माइनस वन से रिलेटेड नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव होता तो ये चीज होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक एग्जांपल, बस ओनली एक, बहुत सारे एग्जांपल तुम कैसे मिल जाएंगे, कोई एक तुमको पिक करके दिखाना है, एक एग्जांपल लेके दिखा दिए कि भाई देखो पर्टिकुलर इस एग्जांपल के लिए जो है ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका ट्रांजिटिविटी जो है फेल कर गया, ऑब्वियसली फेल कर गया, क्योंकि ट्रांजिटिविटी कहता है कि सब एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे दो हम जोड़ी ले लिए जो आपस में रिलेटेड है, लेकिन जब हम वन ए के साथ सी का रिलेशन रिलेट करने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि फेल हो जा रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हो रहा है। सो विच शोज दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव एंड कंसिक्वेंटली आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो आज जो है ये तुम लोग समझ लो बढ़िया से, तो एक चीज दिमाग में हमेशा रखना बढ़िया से कि अगर कोई स्टेटमेंट को हमको प्रूव करना है तो उसको जनरल वे में प्रूव करना, अगर उसको हमको गलत प्रूव करना देन यू हैव टू पिक एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेके ही तुमको दिखाना है कि भाई देखो इस एग्जाम्पल के लिए पर्टिकुलर
तब तुम पर्टिकुलर की तरफ जा सकते हो कि ये चीज जो नहीं हो रहा है। लेकिन कोई पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए तुम कोई स्टेटमेंट प्रूफ नहीं कर सकते हो, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये चीज है, तो आज के लिए इतना ही करता। नेक्स्ट दिन और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे रिलेशन को हम लोग दिखाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।